अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 अप टू 10 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा ये पढ़ें कि पॉजिटिव और माइनस साइन के लिए यानी नेगेटिव के लिए हम कौन से सिंबल इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि प्लस के लिए हम कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं और माइनस के लिए हम कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको समझें तो बस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप देखें नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में क्या है, ज़ीरो है। अब ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट हम नेगेटिव। तो जब कहीं भी राइट का वर्ड हम सुने तो हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे, प्लस। अगर हम लेफ्ट का वर्ड देखें तो हम कौन सा वर्ड्स कौन सा साइन यूज़ करेंगे, सिंबल माइनस। इस तरह अगर एबो की बात आ जाए, इस तरह अगर हम इस तरह कर दें कि ये जो फॉन्ट है ये ज़ीरो है, तो अब ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे हम क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव। तो राइट फिर हम कौन से नंबर पुट करेंगे जिसके साथ प्लस साइन, और ज़ीरो के यहाँ हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे हम कौन से सिंबल यूज़ करेंगे नंबर के साथ, माइनस। यानी अगर इधर हम नंबर लिखेंगे तो माइनस का सिंबल हम यूज़ करेंगे उसके साथ। इस तरह इसकी जो एबो है, ज़ीरो के एबो, या हम कौन से नंबर यूज़ करेंगे, प्लस। तो एबो भी हम अगर एबो का वर्ड हम सुने तो हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। इस तरह यहाँ ज़ीरो से क्या है, बिलो है, तो अगर हम बिलो का वर्ड सुने तो फिर हम, अगर हम बिलो का वर्ड सुने तो हम माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे। इस तरह अगर हम लोज का वर्ड सुने तो हम माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे। अगर हम प्रॉफिट का वर्ड्स देखें तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड्स कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, प्लस। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जुनेद फेड अ लोन ऑफ RS 30 फ्रॉम हिज पॉकेट मनी। लोन है, कर्ज है, तो हम कर्जा किस रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन से। हाउ कैन दिस बी रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव से, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन से। 30 तो उसने दिया है लेकिन कौन सा, नेगेटिव लोन दिया है, तो लोन को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमाद बोर्ड RS 200 ऑन ईद उल फितर के मौके पर हमाद ने 200 रुपये हासिल किए। हो कैन दिस बी रिप्रेजेंटेड, अब गॉड है, लेना है, तो लेना कौन सुनाते हैं, इसको हम किस सिंबल से प्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन से प्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या, प्लस 200 लिखेंगे क्योंकि उसने गॉड क्या है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6, इफ 6 रिप्रेजेंट 6 मीटर एबो सी लेवल, व्हाट डज माइनस 6 रिप्रेजेंट, अगर प्लस 6 रिप्रेजेंट करता है सी लेवल से ऊपर 6 मीटर, तो फिर माइनस 6 क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम माइनस 6 को क्या करेंगे, माइनस 6 रिप्रेजेंट, या हम लिखते हैं इस तरह लिखते हैं, तो या हम लिखेंगे प्लस सिक्स रिप्रेजेंट 6 मीटर एबो सी लेवल, व्हाट डज माइनस 6 रिप्रेजेंट, तो माइनस 6 रिप्रेजेंट क्या होगा, माइनस 6 रिप्रेजेंट करेगा बिलो सी लेवल, तो माइनस 6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो एबो की जगह हम क्या लिखेंगे, बिलो, क्योंकि माइनस आए थे, तो माइनस 6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो सी लेवल, सी लेवल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8, इफ माइनस 10 रिप्रेजेंट 10 लेफ्ट फ्रॉम ज़ीरो, अगर माइनस 10 हमें रिप्रेजेंट करता है क्या, ज़ीरो से टेन तक रिप्रेजेंट करता है, अगर माइनस टेन ये रिप्रेजेंट करता है कि ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड 10 तक ऑन नंबर लाइन पर,
व्हाट डज प्लस फाइव रिप्रेजेंट? तो प्लस फाइव रिप्रेजेंट क्या करेगा, प्लस फाइव रिप्रेजेंट करेगा जीरो से राइट हैंड साइड। तो इधर हम लिखेंगे प्लस प्लस फाइव रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स कितना है, फाइव है, तो फाइव राइट 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 फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। तो अगर माइनस टेन रिप्रेजेंट करता है जीरो से टेन तक लेकिन लेफ्ट साइड फॉर, तो फिर प्लस फाइव रिप्रेजेंट करेगा जीरो के राइट हैंड साइड पर फाइव तक। इस तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पर। इफ माइनस ट्वेंटी रिप्रेजेंट आर लॉस ऑफ आर एस ट्वेंटी, अगर माइनस ट्वेंटी रिप्रेजेंट करता है नुकसान को, कितने रूप नुकसान, 20 रुपये को, ऑन एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल पर, आर्टिकल का मतलब शेयर भी होता है, इसकी कई मीनिंग होते हैं। व्हाट डज प्लस फाइव रिप्रेजेंट, तो व्हाट डज प्लस फिफ्टी रिप्रेजेंट, तो अगर माइनस ट्वेंटी रिप्रेजेंट करता है नुकसान को तो प्लस फिफ्टी रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट को। तो इस तरह हम देखेंगे प्लस फिफ्टी रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट 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 ऑफ आर एस 50, तो फिर प्लस 50% करेगा क्या, प्रॉफिट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इफ प्लस 40 रिप्रेजेंट द क्लॉक वाइज टर्न ऑफ एन एयरक्राफ्ट, व्हाट डज माइनस 30 रिप्रेजेंट, तो क्लॉक वाइज है और एक एंटी क्लॉक वाइज है। तो क्लॉक वाइज हमारे पास की तरह है, अगर ये घड़ी है तो अगर घड़ी तो इस तरह चल रही है, वॉच जो है इस तरह मूवमेंट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक वाइज। अगर इस तरह घड़ी चल रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक वाइज। और इसका जो एंटी होगा उस तरह होगा, एंटी क्लॉक इसको हम कहेंगे, इसको उल्टा। तो ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉक वाइज। तो अब अगर प्लस 40 रिप्रेजेंट करता है, प्लस 40 रिप्रेजेंट क्लॉक वाइज टर्न ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का अगर प्लस 40 रिप्रेजेंट करता है क्लॉक वाइज टर्न, तो फिर माइनस 30 क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंटी क्लॉक वाइज। तो इस तरह हम लिखेंगे माइनस 30 रिप्रेजेंट्स द एंटी क्लॉक वाइज टर्न ऑफ एन एयरक्राफ्ट। फिर एयरक्राफ्ट का जो माइनस 30 है वो हो एंटी क्लॉक वाइज टर्न रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे।